अभी हमने कानून के विरुद्ध लड़ाई लिया, सरकार ने कानून बनाए हैं उनके बारे में पहले बता दिया, अभी बताना पड़ेगा पहले खिलाफ देश में आंदोलन चला और इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 3 किसान काले कानून वापस लिए और इसके बाद ये शर्तें मोर्चा के और सरकार के मध्य हुई कि शीघ्र जो है MSP का जो मामला है और देश में जो 80,000 मुकदमे कायम हुए हैं किसानों के खिलाफ और जो किसानों की शहादत है उनको आर्थिक सहायता का मामला है, अजय मिश्रा टेनी जो गृह मंत्री हैं, लखीमपुर खीरी के आरोपी हैं, उनकी बर्खास्तगी का मामला है, इन सब मुद्दों पर सरकार ने वादा किया था कि सब शीघ्र हम पूरा करेंगे, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी किया है। तो 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चे की राष्ट्रीय मीटिंग दिल्ली में हुई है, उसमें तय किया गया था कि पूरे देश के अंदर जो है 31 जनवरी को सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ विश्वासघात दिवस मनाने का काम संयुक्त किसान मोर्चा करेगा और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन देगा। उसी तारतम्य में आज हम लोगों ने 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन करते हुए हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा है और हमारी मांग है कि सरकार तत्काल मांगे माने, नहीं तो फिर से हम लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज संयुक्त किसान मोर्चा रीवा राष्ट्रीय आह्वान मुताबिक जिस तरह से 1 साल के आंदोलन दौरान केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर को एक लिखित पत्र दिया संयुक्त किसान मोर्चा को कि हम आपके किसान बिल वापस लेते हैं और बाकी के जो और मांगे मुद्दे हैं, MSP का मामला है और किसानों पर दर्ज मुकदमों का मामला है और तमाम मामले हैं, उनको हम शीघ्र समिति बना करके और इन मांगों को भी पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक में सरकार ने इन मांगों को पूरा नहीं किया और ना ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री लखीमपुर खीरी के जो मुख्य आरोपी हैं अजय मिश्रा सैनी, उनकी बर्खास्तगी नहीं हुई। इन तमाम मुद्दों को लेकर जब सरकार ने वादा खिलाफी किया तो आज पूरे देश में विश्वासघात दिवस संयुक्त किसान मोर्चा मनाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में रीवा संयुक्त किसान मोर्चा संभाग सहित पूरे जिले में विश्वासघात दिवस मना रहा है। हम लोग कमिश्नरी कार्यालय के समक्ष बैठे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, इसके बाद जो है शीघ्र कुछ ही देर बाद जो है हम लोग आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन कमिश्नर रीवा को सौंपेंगे। Let's go!